दोस्तों आखिरी 9 बॉलों पर उन्होंने सन्स दरकार हो मलिंगा के यॉर्कर पर यॉर्कर आ रहे हो। मैच इतना इंपॉर्टेंट हो कि सचिन तेंदुलकर जैसा लेजेंड भी ग्राउंड में बैठा लाला के छक्के देकर हैरानों परेशान हो रहा हो, मगर आखिरी ओवर में लाला और मलिंगा का घमसान का रन पड़े। ऐसा ही था ये मैच। अब दोस्तों मैं हूं अब्दुल्ला जावेद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ड्रामा। क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। अब यार लॉर्ड्स का ग्राउंड था, एक तरफ संगकारा की कप्तानी में दिलशान जयसूर्या, जयवर्धने, मलिंगा और मैथ्यूज टीम का हिस्सा थे, तो दूसरी तरफ यूनुस खान की कप्तानी में अब्दुल रजाक, मलिक और आमिर टीम का हिस्सा थे। संगकारा ने सिक्का उछाला और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अब लॉर्ड्स के ग्राउंड में दिलशान और जयसूर्या जैसे लेजेंड्स ओपनिंग के लिए बल्ला लेकर उतरते हैं। यार इन दोनों लेजेंड्स का कुछ अलग ही लेवल होता था। वैसे आपकी पसंदीदा श्रीलंकन टीम की ओपनिंग जोड़ी कौन सी है और अगर उसका कंपैरिजन करें तो उस लेवल की जोड़ी पाकिस्तानी टीम में कौन सी है या कौन सी थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दूसरी तरफ से आमिर और रजाक ने बॉल संभाली। यार ये वो दिन है जब नौजवान आमिर बिल्कुल यंग सा होता था और वो आते ही दिलशान को एक मशहूर जमाना सेटअप के थ्रू आउट करता है। यार आमिर की वो शॉर्ट पिच बॉल, चार बॉलें थी और चारों की चारों शॉर्ट पिच बॉल और जिस तरह वो इन स्विंग होती थी वो हैरान कन थी। वैसे इस पर एक अलग सी वीडियो बनती है और इंशाल्लाह इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। वैसे इस तरह का आमिर का कोई और सेटअप आपको याद हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंटेटर इस बेहतरीन सेटअप के बारे में बोलता है, व्हाट अ वंडरफुल प्लान। इस तरह पांचवी बॉल पर टीम श्रीलंका का 0-1 आउट। अब जेहान मुबारक ने ज्वाइन किया जयसूर्या को, रजाक ने ऐसी इन स्विंग घुमाई के मुबारक का भी कैच आउट। ऐसे पहले ओवर की तीसरी बॉल पर 0 रन पर 2 आउट। अब कुमार संगकारा ने जयसूर्या को ज्वाइन किया मगर फिर दोनों प्लेयर्स ने मारना शुरू किया जयसूर्या के गैप से चौके। यार वैसे जयसूर्या उन दिनों एक बेहतरीन हिटर होते थे। जयसूर्या ने रजाक को चौका मारा तो रजाक गुस्से में, रजाक इतना गुस्सा खाते हैं कि अगली बॉल करवाते हुए रजाक गिर पड़ते हैं। जब उठ कर देखते हैं तो सामने विकेटें गिरी होती हैं और जयसूर्या आउट। कमेंटेटर बोला रजाक गॉट हिज रिवेंज बट ही वॉज डाउन। ऐसे तीसरे ओवर की पांचवी बॉल पर 26 रन पर 3 आउट। श्रीलंकन टीम की विकेटें बिल्कुल गिर रही थी और टीम को भी सपोर्ट की जरूरत थी। अब जयवर्धने ने ज्वाइन किया संगकारा को। यार ये सब प्लेयर्स का एक अलग ही लेवल था तो उस दिन के हीरो रजाक ने जयवर्धने को भी आउट कर डाला। से पांचवें ओवर की दूसरी बॉल पर 32 रन पर 4 आउट। पाकिस्तानी बॉलर्स हर लिहाज से छाए हुए थे। अब संगकारा को ज्वाइन किया डी सिल्वा ने। संगकारा के चौकों से टीम श्रीलंका की 9वें ओवर में 50 रन मुकम्मल। संगकारा के चौके रुकते का नाम नहीं ले रहे थे मगर फिर उमर गुल आए और शॉर्ट पिच डिलीवरी से डी सिल्वा को मिड विकेट में कैच आउट करवा डाला। उमर गुल की शॉर्ट बॉल और अफरीदी के अगले ओवर में उडाना को भी बोल्ड कर डाला। ऐसे 16वें ओवर में 88 रन पर टीम श्रीलंका के 6 आउट मगर संगकारा के चौके रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब संगकारा को ज्वाइन किया एंजेलो मैथ्यूज ने। दोनों की इनिंग्स की बदौलत 17वें ओवर में टीम श्रीलंका के 104 रन मुकम्मल मगर फिर दोनों ने मिलकर गैप से ऐसे चौके मारे के आखिरी 3 ओवर्स में उन्होंने 34 रन बनाए और टीम श्रीलंका को 138 रन तक पहुंचाने में कामयाब करवाया। जैसे श्रीलंका के 30 रन पर तकरीबन 4 आउट थे उस लिहाज में ये एक बेहतरीन टारगेट था और जिस अंदाज में पिच पर बॉल घूम रही थी उससे लग रहा था कि ये बेहतरीन बॉलिंग पिच है ना कि बैटिंग। अब जॉब में 138 रन चेस करने को पाकिस्तानी ओपनर कामी भाई और शाहजेब हसन उतरते हैं। उन्होंने दोनों ने आते ही चौके मारना शुरू किए मगर फिर कामी भाई के छक्के ने जैसे कौम का दिल जीत लिया हो, मगर अगर बात वहीं रुक जाती तो कुछ और बात थी। कामी भाई आगे बढ़े और एक और छक्का दे मारा, रन का सिलसिला आगे बढ़ा मगर फिर जयसूर्या ने बॉल को ऐसा घुमाया कि कामी भाई को संगकारा ने स्टंप आउट कर डाला। निकल के खेले बीट हो। ऐसे 7वें ओवर की पहली बॉल पर 48 रन पर 1 आउट। यार वैसे ये प्लान स्टंप आउट करने का बहुत ही बेहतरीन था। अब शाहजेब हसन को ज्वाइन किया लाला ने और ऐसे टीम पाकिस्तान की 8 ओवर्स में 50 मुकम्मल। उन दिनों जैसे लाला का जमाना था, लाला उतरते और मैच को पलटकर अपनी जानिब खींच डालते। ये मैच एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखता था और इस मैच में भी लाला बिल्कुल छाए रहे। श्रीलंकन कप्तान संगकारा ने अपने बेहतरीन बॉलर मुताय मुरलीधरन को भेजा। मुताय ने बॉल को घुमाई और शाहजेब का अपर एच निकलवा कर उन्हीं को आउट कर डाला। ऐसे 9वें ओवर में 63 रन पर 2 आउट।
अब मलिक साहब ने लाला को ज्वाइन किया तो लाला रुके नहीं, लाला गैप से चौके मारते रहे, मगर जब मुताए मुरलीधरन आए वापस अपनी आंखें गुस्से से दिखाते हैं तो आफरीदी इस गुस्से पर मजीद गुस्सा दिखाते हैं और आगे बढ़कर मुताए मुरलीधरन को छक्का दे मारते हैं। अगली बॉल पर फिर आफरीदी आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन शॉट, छक्का तो नहीं होता मगर एक बेहतरीन चौका होता है। क्राउड में बैठे सचिन तेंदुलकर लाला के हाथों श्रीलंकन टीम की ऐसी पटाई देखकर हैरान और परेशान और हंस भी रहे थे और इस चीज़ को कमेंटेटर ने भी जिक्र किया। यार ये वैसे बेहतरीन लम्हा था क्योंकि ये मैच 2009 के श्रीलंका पाकिस्तान श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, तो उस फाइनल मैच में आप अगर किसी टीम के बॉलर्स की ऐसी पटाई कर रहे हो तो वो कोई आम टीम नहीं कि जिसने फाइनल मैच तक क्वालिफाई किया। ऑफ कोर्स वो बेहतरीन बॉलर्स थे जिन्होंने अपनी टीम को इतना इनेबल किया कि वो फाइनल तक पहुँचे, और लाला उनका बिल्कुल लिहाज नहीं कर रहे थे, उनको किसी खातिर में नहीं ला रहे थे। लाला आगे बढ़े और बेहतरीन छक्का मारा, ओ बूम बूम इज ऑन स्ट्राइक, कमेंटेटर बोला। लाला का फिर एक छक्का, लाला के खिलाफ अपील मगर अपील नाकाम। आखिर में लाला ने सिंगल लिया और पाकिस्तान ऐसे ये मैच जीत गया। शाहिद आफरीदी की ये एक बेहतरीन 50 थी, शाहिद आफरीदी को मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला। ये मैच था 2009 का पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल। वैसे आप में से कितने लोगों को ये पहले ही याद आ गया था कि ये श्रीलंका पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल मैच था, कमेंट करके बताइएगा कौन सा मोमेंट था जब आपको ये याद आया, और आप में से कितने लोगों ने T20 वर्ल्ड कप और ये फाइनल देखा था, कमेंट करके बताइएगा। यार आज पाकिस्तानी टीम अब इस दफ़ा 2023 के वर्ल्ड कप के लिए इंडिया ट्रेवल तो करेगी, मगर नजम सिटी ने फैसला किया है कि पाकिस्तान में जो एशिया कप होना था वो अब हाइब्रिड मॉडल के अकॉर्डिंगली होगा, यानी सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, बाकी दुबई और डिफरेंट न्यूट्रल वेन्यूज़ में होंगी। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, क्या ये पाकिस्तान की एक्चुअल कामयाबी है कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मंजूर हुआ, या फिर ये इंडिया की कामयाबी है कि पाकिस्तान में पूरा एशिया कप टूर्नामेंट हो नहीं रहा। वैसे अगर आप मेरे से पूछते यही सवाल तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान की भी ये एक हद तक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान का जिस तरह का माहौल है, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जहाँ इमरान खान के अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन कैंपेन भी चल रही है, इमरान खान और बहुत से प्रोटेस्टर्स को आर्मी एक्ट के अकॉर्डिंगली गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उस माहौल में ये एशिया कप के चंद मैचेस होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम दुनिया से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो हमारे लिए चीज़ नॉर्मल है वो दुनिया के लिए भी नॉर्मल हो जाए। सो वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रिया, इस हवाले से अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, और साथ में 2023 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, आपके नज़दीक कौन सी टीम फेवरेट है? इस वक्त पाकिस्तान की मेरे नज़दीक इंटरनेशनल रैंकिंग है 2nd, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे और इंडिया नंबर 3rd पे है। आप क्या सोचते हैं कि बाबर आजम इस इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में क्या हैसियत रखेंगे, उनके कितनी इम्पोर्टेंस होगी, और पाकिस्तानी टीम आपको कहां तक जाती हुई नज़र आ रही है, और कौन सी टीम आपको चैंपियन बनती हुई नज़र आ रही है, ये सब साथ में आपने ज़रूर बताना है। और वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रिया, हमें किन किन मैचेस पर वीडियो बनानी चाहिए साथ में ये ज़रूर बता दिया करें तो हमारे लिए भी आसानी रहेगी, और थैंक यू सो मच।